मेरे प्यारे बहन भाई और मित्रों, किससे आप आज हम बात करने वाले हैं क्लोपिकलोट टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के क्या फायदे, क्या नुकसान है, इसमें आप पूरी जानकारी जानने वाले हो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट का प्रयोग खून के नसों में खून के थक्के जमे हो जाते हैं, खून के थक्के बनने से रोकता है यह प्रोडक्ट। और इसी के साथ साथ दोस्तों, जिसमें व्यक्ति के हार्ट में से ब्लू की सप्लाई कम हो जाती है, चेस्ट में दर्द होता है, सांस लेने में कठिनाइयां होती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो इस प्रॉब्लम्स में डॉक्टर द्वारा इस प्रोडक्ट को देते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, खून की नसें सुकट जाती है तो उसमें भी दी जाती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, खून के थक्कर को नहीं जमने देता यह प्रोडक्ट। और इसी के साथ साथ दोस्तों, यह हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक में भी काफी फायदेमंद है यह प्रोडक्ट। हार्ट स्ट्रोक में भी आपका डॉक्टर इसको यूज करवाने की सलाह दे सकता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, यह प्रोडक्ट हार्ट स्ट्रोक को रोकने में भी मदद करता है, जैसे कि हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है। तो दोस्तों, ये हार्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट है, इन कंडीशन में भी आपका डॉक्टर इसको यूज करवाने की सलाह दे सकता है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपको दो बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नंबर वन, अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज कर चुके हैं और आपको कोई भी परेशानी या किसी भी तरीके का अन्य साइड इफेक्ट दिखा है, तो घबराए नहीं, तुरंत इस प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर टू, किसी भी प्रकार की अन्य मेडिसिन या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट अपने डॉक्टर के सलाह के नहीं लानी चाहिए, क्योंकि मरीज की, पेशेंट की उम्र अकॉर्डिंग अंदर बॉडी में क्या चल रहा है, क्योंकि दोस्तों हर आदमी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, उनके हार्मोन्स के ऊपर, उनकी उम्र के ऊपर, उनके वजन के ऊपर उनकी जांच करवाने के बाद डॉक्टर दवाइयां देता है। इसलिए दोस्तों, पहले अपने डॉक्टर से परामर्श यानी कि संपर्क करें, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहां है, वरना सब मिट्टी समान है। तो दोस्तों, थी क्लोपिकलोट टैबलेट की इंफॉर्मेशन, फिल जानकारी। दोस्तों, अगर आप मशल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। चेतावनी, इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई का उपयोग करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से पूछें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।